अजमेर के केसरगंज बाजार में पानी की पाइपलाइन अचानक फट गई, जिसके कारण मार्ग पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो गया। मामले की सूचना मिलते ही जलदाय विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लेते हुए कार्यवाही को शुरू किया गया। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि शनिवार रात्रि विशेष घटना हुई, जिसके कारण सैकड़ों गैलरी तक पानी भी बर्बाद हुआ है, साथ ही दो दिन और सप्लाई भी बाधित होगी। वैसे ही चार चार दिन में शहर में पानी आ रहा है और अब ऐसे में इस तरह पाइपलाइन फूटेगी तो आगामी गर्मी के सीजन में किस तरह से काम होगा, यह कह पाना मुश्किल है। वहीं पाइपलाइन को दुरुस्त करने के लिए जलदाय विभाग की ओर से लगातार कार्यवाही की जा रही है। ये केसरगंज गोल चक्कर के बाहर की बात है। शनिवार रात लगभग 10 बजे पानी की पाइपलाइन बहुत तेज आवाज के साथ टूट गई। टूटने से पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया। आज सुबह रविवार प्रातः 12 बजे PWD और जलदाय विभाग के कर्मचारी आके इस कार्य को कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में इस तरह की पाइपलाइन आए दिन टूटना आम जन के लिए बहुत चिंता का विषय है। अब पहले ही चार चार दिन में पानी नहीं आ रहा था, अब दो दिन और बढ़ गए, इससे क्या होगा, क्या सरकार देख रही है? आपका नाम? मेरा नाम मनोज सिंगल। कोई हादसा भी हो सकता था? हादसा हो सकता था, आज पूरे दिन भर पूरा रोड बंद रहेगा और हादसा होते होते बच चला रात को। आपका नाम? मनोज सिंगल, मॉडर्न बी को अपने कैसे